कौन सा प्लान है सर? श्री राम लाइफ एश्योर्ड इनकम प्लान लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। श्री राम लाइफ एश्योर्ड इनकम प्लान V03 दिन से 55 साल तक के व्यक्ति है हमारा 8 वर्ष 12 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष और 15 वर्ष और 20 का भी है सर? नहीं 20 का नहीं, ये हम दे सकते हैं। ये प्लान हमारा 15,000 के प्रीमियम से स्टार्ट होता है। कितने के? 15,000 के वार्षिक प्रीमियम से स्टार्ट होता है। वार्षिक प्रीमियम, हर प्लान में हम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ले सकते हैं। ले सकते हैं, ठीक है ना? मगर अधिकतर करोगे सालाना, भले दूसरे साल से उसको मंथली करते हैं क्योंकि आपको प्रमोशन हो जाएगा। इसमें हम मैच्योरिटी कितने प्रकार की ले सकते हैं? ये अल्टीमेट प्लान है, मगर बहुत अच्छा प्लान है। मैच्योरिटी हम इसमें मंथली भी ले सकते हैं पेंशन के रूप में, और ईयरली भी ले सकते हैं, और लमसम भी ले सकते हैं, इकट्ठा भी ले सकते हैं लास्ट में। लमसम वही है, है ना? तो तीन प्रकार से मैच्योरिटी ले सकते हैं। लमसम मतलब इकट्ठा, देखो अब मंथली हम ले सकते हैं तो ये पेंशन के रूप में ले सकते हैं, ये दूसरा हम बच्चे के हिसाब से ले सकते हैं वार्षिक, ईयरली। ईयरली कैसे? अब उसको हम आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं, अब बच्चे को 1,00,000 साल का चाहिए या 2,00,000 साल का चाहिए, तो ये ईयरली मैच्योरिटी ले लेंगे। अब हमको बच्चे के हिसाब से चाहिए लमसम, है ना? तो इकट्ठे भी मिल जाएंगे, जैसे 10,00,000 मिलना है तो ये 10,00,000 इकट्ठे मिलना है। तो ये बच्चे के हिसाब से हो गया, क्योंकि वार्षिक उसको अगर बाहर हम भेज रहे हैं कहीं इंदौर कहीं बाहर, तो वार्षिक पैसा चाहिए ना फीस देने के। मतलब तीन प्रकार से पेमेंट ले सकते हैं अपन, ये ले सकते हैं। तो ये अल्टीमेट प्लान, पेंशन, अच्छा ये दूसरा प्लान लमसम ईयरली, ठीक। अक्षय निधि मनी बैक प्लान ना सर? हाँ। 25-25-50 5-5 साल में रिटर्न आता है ना उसमें, 25% 25% 50% सर दिखाओ, दिखाओ सर कौन सा बना है पोस्टर? अच्छा ये प्लान को हम सोने के सिक्के 30 दिन से 55 साल तक के व्यक्ति 30 दिन से 55 वर्ष के व्यक्ति को दे सकते हैं। जी सर, ये भी प्लान हमारा 15,000 से स्टार्ट होता है, 10,000 से भी स्टार्ट हो जाता है। कितने से हो जाता है? 10,000 से, मगर अपन 15,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये ठीक। अब हमने 15 साल का प्लान लिया, ये 15 वर्ष से कम का प्लान नहीं होता है, मिनिमम 15 वर्ष ये। अब हमने 15 वर्ष का दिया, ठीक है, 15,000 साल का दे रहे हैं, ठीक है ना? तो 5वें वर्ष ये आएगा कितना? 25% बीमा धन का 25% है ना सर? हाँ, समय से ये, ना? ये चलती जाएगी और 5वें वर्ष साल रुक जाओ ना, रुक जाओ अभी बात। 37,500 है ना? 5वें वर्ष 10वें वर्ष 25% ये 37,000 लिख लो भैया, 37,500 बोनस मिलेगा, ठीक। 10वें वर्ष इसके बाद 15वें वर्ष 50% ये मिलेगा, 50% है ना? 75,000 ये 75,000 हो रहा ना? हाँ, 75,000
75,000 ये बोनस मिलेगा प्लस रिवाइनरी बोनस और टर्मिनल बोनस। लिख लो रिवाइनरी बोनस टर्मिनल बोनस, उस समय जो भी रेट होगा 15 साल बाद उस समय रेट इंटरेस्ट जोड़ के कंपनी और देगा। रिवाइनरी बोनस टर्मिनल बोनस है ना, ये तो ये प्लान बोनस यही मिलता है। ठीक, ये भी हो गया प्लस। ठीक, ये जरूर ध्यान रखना भैया, तो कम से कम ये प्लान दे सकता है वो, और प्लान आप LIC में डाल दो कोई दिक्कत नहीं, मगर वो प्लान हमारे यहाँ ये डालेगा प्लस FD नहीं है LIC में, FD का काम करेगा, GI का करेगा, HI का करेगा, पेंशन प्लान देगा, बाकी प्लान आप LIC में करते रहो भाई। जो प्लान LIC में नहीं है ही नहीं है तो वो तो यहाँ आराम से बेचेंगे ना। ये क्या सर, ये प्लान को हम 8 वर्ष से लेके 65 वर्ष के व्यक्ति को प्लान दे सकते हैं, मतलब 65 साल तक के व्यक्ति का बीमा कर सकते हैं अपन। ये ठीक। अब इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल ये जमा होगा, कितना जमा किए हम 5 साल तक 1,00,000। यहां से ये छूट रहे, यहां जमा नहीं करना, कुछ नहीं करना, यहां मैच्योरिटी मिलेगी, चालू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1,65,000। ये कब तक मिलती जाएगी, 5 बार तक, 1, 2, 3, 4। सर ये गारंटेड रहता है, गारंटेड रिटर्न लिख के आएगा पूरा, प्लस लिखा है ना उसमें, ये तो प्लस ही तो है, ये प्लान ये है ना, एसोड इनकम प्लस है ना, एसोड इनकम भी ग्रांटेड है, एसोड इनकम प्लस भी ग्रांटेड है। अच्छा अच्छा, 5 साल देना है, फिर 5 साल वेट करना है, फिर आखिरी 5 साल नॉन लिंक्ड प्लान। सर इसमें पेमेंट का ऑप्शन नहीं है कि 2-3 पूरा है सब कुछ है भाई, पेंशन में भी ले सकते हैं। हाँ नहीं कुछ नहीं ले सकते ऐसे, एक ही ऑप्शन है ना, लास्ट में मिलेगा ना, आखिरी के 5 साल में 5 साल ही मिलेगा आपको पेंशन के रूप में, मान ले चाहे किसी मंथली भी ले सकते हैं, तिमाही क्वार्टरली छमाही सालाना कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, यही सर, अरे ये उसके पास ये हाँ ये वाला ये प्लान है, एक एग्जांपल भी दिया होगा सर, देखा ना ये। अब देखो इस प्लान 5, अब ये प्लान हम किसको किसको दे सकते हैं, 8 वर्ष तक, जैसे किसी की नौकरी में बची है 5 साल, वहां पर 5 साल का नहीं था। अच्छा ठीक, 5 साल नंबर दो की कमाई सर पाइन सही कह रहे हैं। इसके बाद करके 5 साल छक्का मार दे, अब इसके बाद जिसकी 55 हो गई है बचे हैं 5-1 साल, अब बोले भैया वो मेरी नौकरी को 5 साल बचे हैं, मैं जमा ही नहीं कर पाऊंगा, अगर 5 साल का प्लान हो तो बता दो, तो भाई अपने पास 5 साल का प्लान है ना, तो ये नंबर दो की कमाई होती है भाई साहब, जैसे विधायक सांसद सही सर आगे चुनाव। देखो एक बार जीते कोई पता नहीं कि दूसरी बार वो जीते भाई, कोई भरोसा नहीं रहता, कोई भरोसा नहीं, मगर नंबर दो का पैसा 1,00,000 से कम की भी तो होगी ना, 1,00,000 से कम की तो होगी ये वाला प्लान। हाँ ये प्लान है ना 1,00,000 से, ये 20,000 से स्टार्ट होता है, 20,000 मिनिमम अमाउंट 20,000 से स्टार्ट होता है वाला प्लान। ठीक है, 20,000 लिख लो भाई, इसीलिए कल 5-5 बीमा करके लाना भाई सब लोग को, 20,000 रुपए सर साल है, हाँ मतलब 18,000 लगभग आती है केस भाई, आप तो PDF से निकाल लोगे, तो 1,00,000 का अगर कोई नहीं कर पाए ऐसा करना मालूम है, भागे 5 का कर दो, 1,65,000 का भागे 3 सर, ये जो आखिरी सर आखिरी के जो 5 साल पेमेंट मिलता है वो कितना मिलता है सर, किस आधार पे अपन कैलकुलेट करते हैं वो सब आ जाएगा ना मोबाइल में। अच्छा हाँ, आस्त्रा से है ना, आस्त्रा से हिसाब लगता है। श्री राम न्यू श्री लाइव, कितनी एजेंट्री है इसमें, 30 दिन से 60 हो गई है ना, पहले 65 थी, पहले 65 ये 30 दिन से लेके
श्री राम न्यू श्री लाइफ है। 60 वर्ष के व्यक्ति को हम ले सकते हैं। ये प्लान का नाम जरूर लेकिन हर प्लान का नाम है श्री लाइफ, श्री राम न्यू श्री लाइफ प्लान। क्योंकि जब आस्त्र से आप निकालोगे ना तो यही क्लिक करना पड़ेगा तब आएगा। देखो भैया ऐसे ही बनाना है और एक हम प्लान दे रहे हैं 15 वर्ष। देखो अगर हम किसी को 10 साल का प्लान देते हैं तो वार्षिक किस्त आएगी 7,000 कम से कम। ये कम से कम प्रीमियम की बात है। 15 साल का प्लान दे रहे हैं तो कम से कम 5,000 वार्षिक किस्त आएगी सबसे कम। सबसे ठीक ये अब 10 साल में लगभग 1.5 गुना मिलेगा जो जमा होगा और इसमें लगभग डबल हो जाएगा। बस ये बस और कुछ नहीं करना जो जमा होगा 10 साल में 1.5 गुना और 15 साल में लगभग डबल डबल हो जाएगा 2 गुना बस डबल। ये हर व्यक्ति को